दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक फोन आया और उस फोन में एक बच्चा मुझे चिल्ला कर ये बताया कि अरे वो चाचा कहाँ सोए पड़े हो रजाई तान के हैं? पूरा इंडिया इधर मजा ले रहा है पठान के ट्रेलर को देख के, झूम झूम के। मैं बोला, अबे पठान का ट्रेलर लॉन्च हो गया क्या है? अभी तक तो खबर हम लोग के पास आई नहीं कि इसका ट्रेलर आ रहा है, और भैया यहाँ से खबर निकल के आ रही है कि इसका ट्रेलर लीक हो गया है। तो भाई मैंने भी सोचा कि चलो देरी नहीं करते हैं, इस लीक हो चुके हैं ट्रेलर को देखते हैं और उसका रिएक्शन आप लोगों के सामने रख देते हैं। लेकिन जब मैंने इस ट्रेलर को देखा तो मुझे पुरानी बात याद आ गई और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई इस वक्त हमारा इंडिया कितना भुलक्कड़ हो गया है। पुरानी बातें हम भूल जाते हैं, नई बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं और इसी का फायदा इस तरह के लोग उठा लेते हैं। तो भाई चलिए हम भी पठान के इस लीक हो चुके ट्रेलर का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखते हैं कुछ सच्चाई के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो क्या कहें आप लोगों से कि भैया ये ट्रेलर मैंने 2022 में देख लिया था। अब ये मत पूछना मुझसे कि ट्रेलर तो आज लीक हुआ है, तुमने इसको 2022 में कैसे देख लिया? भैया देखा तो आपने भी था, देखा तो आपने भी था, लेकिन आप लोगों की आदत थोड़ी सी भूलने वाली हो गई है क्योंकि इस वक्त एक अलग ही तरह का ट्रेंड चल पड़ा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि पठान को लेकर, कि भाई कुछ भी छोड़ दो, कुछ भी छोड़ दो, यहाँ सब बिकता है। ऑडियंस जो है वो हर एक खबर को देखता है, मतलब कि कुछ भी आपके पास आएगा ना, आप बिना सर पैर के इन खबरों को देखोगे और इसको सच मान बैठोगे मेरे भाई, और पूरा इंडिया इसको सच मान बैठा है, जबकि ये ट्रेलर तो हम 2022 में ही देख लिया हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ, आपने भी देखा है। थम्सअपवा का एडवा याद है जिसमें शाहरुख खान चलती हुई ट्रेन के ऊपर कुछ विदेशी फाइटरों के साथ एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे और उसके बाद वो ट्रेन के अंदर भी एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे, और जब वो ट्रेलर हम लोग के सामने उस वक्त आया था तो ऐड था, ट्रेलर नहीं था, ऐड था। क्लियर कर रहा हूं ये बात कि वो ऐड था थम्सअप का, लेकिन जब वो ट्रेलर, फिर से मैं ट्रेलर बोल रहा हूं, अरे भाई ऐड था, हाँ भाई वो ऐड था। तो भैया उस ऐड को देखकर यही बात पूरे इंडिया को बताने की कोशिश की गई थी कि भाई ये जो ऐड का सीक्वेंस है ना, ये पठान मूवी से लिया गया है। YRF ने इस बात को कभी भी सही नहीं बताया कि हाँ ये पठान का सीन है। भाई कुछ भी बिक रहा है, चलिए अच्छा है, इसी बहाने किंग खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि पठान का प्रमोशन फ्री में हो रहा है, क्योंकि भैया अच्छी खबरें, बुरी खबरें, सच्ची खबरें, झूठी खबरें इस वक्त पठान को लेकर फैली पड़ी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हर कोई अपनी थैली हाथ में थामे हुआ है और बोल रहा है ले लो ले लो ले लो, पठान के नाम पर इस न्यूज को भी ले लो। तो इंडिया बेताबी से किंग खान का इंतजार कर रहा है, ये बात तो आप समझ सकते हो कि भैया किंग खान की आने वाली इस फिल्म से जुड़े हुए हर एक खबर को देखने के बाद कि भाई कोई भी झूठी हो, सच्ची हो, अच्छी हो, बुरी हो, जितनी भी खबरें पठान को लेकर फैलाई जा रही हैं उसको कितना जल्दी रीच मिल रहा है। तो बबुआ हम फिर से जा रहा हूं, रजाई तानूंगा, सो जाऊंगा, अगर ऐसा कुछ और खबर आएगा तो हमको बता देना, फिर से हम आऊंगा और फिर से आप लोगों को बताऊंगा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि आजकल मैं थोड़ा सा ज्यादा थेटरलॉजी कर रहा हूँ, क्या करूँ भैया, बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकर सोए पड़े हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि भैया रियल रियल खबरें, ऑफिशियली खबरें भैया पठान के मेकरों के द्वारा आप जारी करनी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि ये फिल्म 25 तारीख को आने वाली है सिनेमाघरों में, तो भैया मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो खबरें फैल रही है ना कहीं पीआर टीम का ही खिलवाड़ है या खेल है, क्या है ये आप लोग समझो यार, मुझे नहीं समझ आया। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारंट जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।